नहीं बिगल तो ऑलरेडी बजे हुआ जो सू पता छे महीनिया इलेक्शन होनी है तो छे महीनिया इलेक्शन होने टालिया भी नहीं जा सकता तो किसी तैयारी भी समझ लो लोगों की अवेयरनेस समझो लोगों के जाके कम से कम ये तो दसी आप है। देखो मैं तो बीजेपी का कार्यकर्ता है और हर कार्यकर्ता बीजेपी को हक है वोट टिकट मंगन का। तो जितों तक मेरा सवाल है मेरा ख्याल है असी लास्ट बार लीडरशिप ने काफ़ी डिटेल च ये साफ कर दिता कि सलारिया साहब इस बार तुम विनोद जी वास्ते काम करो पार्टी वास्ते काम करो अगली बार तुम्हें टिकट देंगे तुम लड़ो। तो मेरा नहीं ख्याल है कोई मैं कन्फ्यूजन इतना लगता है आप टिकट भी लड़ा और पिछले 15 साल तो दिन रात आप इस हल्के काम कर रहे हैं हर बच्चे बच्चे नाल हर परिवार नाल मिले हुए हैं जुड़े हुए हैं एक दूसरे के काम आने हैं एक इन्ना तगड़ा प्यारा साड़ा मैं नहीं लग रहा सानू बीजेपी अकाली दल ये सीट कटने कोई प्रॉब्लम होएगी और मैं तुम्हें यकीन नाल कह सकना बीजेपी की सीट सीगी रहेगी और हम जीतांगे। तुसी मेरे ख्याल एक वर्ड चंगा बहुत सोहना बोलिया कि विनोद खन्ना के अगेंस्ट ये बिल्कुल वर्ड ठीक है क्योंकि पार्टी के मैं फेवर सीगा मैं पार्टी ने जो अनाउंस कर दिता है कि विनोद जी लड़न गए सलारिया जी ने पहली स्टेटमेंट दी थी कि पार्टी डिसीजन इज फाइनल सलारिया साहब पूरी तरह मेहनत करके विनोद में जिताएंगे। लेकिन विनोद खन्ना ने कहा सीगा सलारिया मेरा कुछ नहीं कर सकता वो होए तो ना होए कोई फर्क नहीं पैंदा ये इंडिविजुअल के उत्ते सीगा जदों पार्टी ने मैनू बोलिया कि नथिंग डूइंग यू आर ए पार्टी का बंदा तू पार्टी वास्ते काम करना है मैं एक सैकेंड नहीं लाया जोरों काम किया विनोद जी जित गया है और इन्ने तगड़े वोटें जित के आए कि जरा पहले तो बढ़िया एक रिकॉर्ड हो गया तो कोई पार्टी लॉलीपॉप किसी नहीं दी। इस पार्टी के जिस भी बंदे ने काम किया जिस भी वर्कर ने काम किया पार्टी ने उसका आदर सत्कार किया टाइम टाइम से जी प्रमोशन देनी चाहिए वो दी है। टिकट मिली हुई है मिलने की उम्मीद कि कर रहे तू यार असी बीजेपी की टिकट जित के आ रहे हैं तो 1 पॉइंट प्रोग्राम मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी और इसमें हम ये संकल्प ले रहे हैं कि भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो जातिवाद से मुक्त हो और गरीबी से मुक्त हो और एक के महिलाएं आतंकवाद से मुक्त हो और महिलाएं आगे आए और डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को लीड करें आगे से उसको बढ़ाएं। सब कुछ बाय इलेक्शन के साथ ही जोड़ा जाएगा लेकिन ये जो नव भारत आई एम न्यू इंडिया ये तो पूरे भारत में चला रहे प्रधानमंत्री और हमारे अध्यक्ष जी पंजाब के अध्यक्ष जी ने इसको बहुत बढ़िया से इसकी जानकारी सभी लोगों को देने के लिए पंजाब में ये निकाली है और अमृतसर से ये जा रही है माधोपुर तक।